डायबिटीज, सो बेसिकली आई विल शेयर माई स्क्रीन फॉर अ लिटिल वाइल टू जस्ट गिव यू एन आइडिया कि टाइप 1 डायबिटीज होता क्या है, एंड सेकेंडली फंक्शनल मेडिसिन में हम क्या सोचते हैं कि उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो होता है. ऑफकोर्स वी ऑल नो टाइप 1 डायबिटीज जनरली बच्चों में होता है. जनरली वो बच्चे बहुत वेट लूज कर रहे होते हैं, प्यास लग रही होती है, एंड सडनली शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, इतने हाई हो जाते हैं कि हॉस्पिटल एडमिशन्स होनी पड़ जाती हैं कई बार. एंड जब हम डायग्नोज करते हैं तो वो टाइप 1 डायबिटिक निकलते हैं बिकॉज उनकी बॉडी इंसुलिन, पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहे होते. अब इसके कारण क्या क्या हैं? सी फंक्शनल मेडिसिन बेसिकली क्या है, कॉज ऑफ द डिजीज पे काम करती है. हम ये मानते हैं कि अगर हम कारण को हटा देंगे राइट, तो अपने आप बीमारी भी हट जाएगी जितनी हट सकती होगी. जो नुकसान हो चुका है वो कुछ हद तक रिवाइव होगा, कुछ हद तक रिवाइव नहीं होगा, बट आगे जो नुकसान होना है वो रुक जाएगा. एंड वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है टाइप 1 डायबिटिक्स में बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज बहुत यंग बच्चों में हो जाता है. तो अगर वो कारण आपकी बॉडी में रह जाएगा तो क्या होता है कि वो फिर आपको और कॉम्प्लिकेशंस करता रहेगा. सो क्या क्या कारण है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इसका जेनेटिक्स. जनरली अगर आपके पेरेंट्स में या फैमिली में, एंसेस्टर्स में किसी को है, तो आपके चांसेस टू हैव टाइप 1 डायबिटीज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 10 फोल्ड्स. सो जेनेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. अब आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दे आर द फर्स्ट चाइल्ड इन देयर फैमिली इन लास्ट मेनी जनरेशन जिनको टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज और कारण क्या है हमारे. द अदर रीजन इज टॉक्सिन्स. तो हमारे एनवायरमेंट में जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं, ठीक है, सब उसी एनवायरमेंट में रह रहे हैं. सो पीपल माइट थिंक यार हम तो सब उसी में रह रहे हैं, फिर गिन चुन के कुछ ही बच्चों को ऐसा क्यों हो रहा है ना? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज कई बार उनका जेनेटिक मेकअप, उनका उस टाइम का एनवायरनमेंट और मेंटल स्टेट, तीनों चीजें इकट्ठे मिलकर इतनी वीक हो जाती हैं कि ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है पैनक्रियाज में, राइट? सो जैसे कि हमें मुट्ठी बंद करने के लिए ना पांचों उंगलियां चाहिए होती हैं, है ना? अगर ये पांचों नहीं होंगी इकट्ठे तो मुट्ठी नहीं बंद होगी ना, है ना? सिमिलरली सिर्फ एक चीज जेनेटिक्स होने से कुछ नहीं हो रहा, एनवायरमेंट भी साथ में, कोई इंफेक्शन हो गई बच्चों को, कहीं बाहर गए पेट खराब हो गया, राइट? एंड उसके बाद में वो इंफेक्शन पूरी तरह से हम कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड उस इंफेक्शन ने बिकॉज जेनेटिक्स था, टॉक्सिन्स थे अंदर, गट लीकी हो गया, तो तीनों चीजें मिलकर क्या हुआ, ऑटो इम्यूनिटी शुरू हो गई. अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी वो स्टेट होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को मारने लग जाता है, राइट? सो कोविड के टाइम पे हमने सबने इम्यून सिस्टम तो बहुत सुना है. आई थिंक जिनको भी पहले नहीं आइडिया था कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, अब हम सबको पता है हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है. हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की वो आर्मी है जो हमारी बॉडी को बाहर के लोगों से बचाती है. जैसे हमारी कंट्री की आर्मी क्या करती है, हमारी कंट्री की आर्मी क्या करती है, हमें बाकी कंट्रीज की अटैक से बचाती है, राइट? हमारे आर्मी काम करती है इसलिए हम चैन से रात को सो पाते हैं और सब कुछ कर पाते हैं अपनी कंट्री में सेफली एंड नाइसली, है ना? सिमिलरली हमारी बॉडी की आर्मी जो कि इम्यून सिस्टम जिसका नाम है, वो काम करती है तभी हम इंजॉय कर पाते हैं, खुश रह पाते हैं, एक्टिव रह पाते हैं, चल फिर पाते हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर पाते हैं. अब सडनली क्या होता है, सडनली हमारी आर्मी को लगता है कि कोई बाहर से दुश्मन आ गया है. वो क्यों लगता है, आई विल शो यू विद पिक्चर ऑल्सो. जब लीकी गट होता है तो उसमें से कुछ कुछ
अनवांटेड चीजें जो बॉडी में नॉर्मली नहीं होती हैं वो बाहर निकल के ब्लड स्ट्रीम में निकल जाती हैं। जब वो ब्लड स्ट्रीम में निकल जाती हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को समझ नहीं आता कि वो हमारी अपनी चीजें, एंड हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर इसको ठा 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 करके मारने लग जाता है। एंड उस दौरान टाइप 1 डायबिटीज में हमारे पैनक्रियाज में ऐसा होता है। सो जनरली 5 एंटीबॉडीज होती हैं जो हम चेक करते हैं टाइप 1 डायबिटिक्स में, और उसमें से 2 या 2 से ज्यादा अगर पॉजिटिव आए तो हम टाइप 1 डायबिटीज का लेबल देते हैं। अब बिकॉज वो टेस्टिंग थोड़ी एक्सपेंसिव होती है तो सारे जने नहीं करवाते हैं वो टेस्ट, राइट? बट ऑलमोस्ट 80% जब पैनक्रियाज डेड हो जाते हैं, दैट इज व्हेन हमारे सिम्टम्स आने लगते हैं टाइप 1 डायबिटीज के। 80% जब पैनक्रियाटिक सेल्स डेड हो जाते हैं, राइट? अब जब हम इंसुलिन लेना शुरू करते हैं, कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। सबसे पहली चीज है डाइट। एक कॉन्सेप्ट या बिलीफ ये है कि आप जितना मर्जी खाओ, आप चीनी के 4 चम्मच खा लो, आप 2 केक के पीस खा लो, पूरा केक खा लो, इंसुलिन उतनी बढ़ा दो जी, राइट? आई थिंक कॉमन सेंस से भी हमें समझ में आता है कि दैट्स नॉट अ राइट लॉजिक। हमें वो चीजें खानी चाहिए जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दे और कम से कम इंसुलिन रेज करें, ताकि हम बाहर से जो यू नो सिंथेटिक इंसुलिन ले रहे हैं वो कम से कम हमें लेना पड़े। तो डाइट पे अब काफी डेटा आ रहा है, दो टाइप 1 पे फिर भी उतना नहीं आ रहा जितना टाइप 2 पे आ रहा है या थायराइड पे आ रहा है, बट देयर इज डिसेंट इनफ डेटा फॉर पीपल कि डाइट मेक्स अ डिफरेंस। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज एक्सेप्शनली गुड फॉर टाइप 1 डायबिटिक्स। सेकेंड, एक्सरसाइज। ऑफकोर्स एक्सरसाइज एंड स्लीप, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज कराने के लिए, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब एक्सरसाइज कैसी करनी है हमको, कौन सी करनी है, किस टाइम पर करनी है, वो सबका पर्सनलाइज्ड होता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली चेक एंड नो कि हमारे लिए कौन सी एक्सरसाइज हमें सूट कर रही है और कौन सी हमारे लिए अच्छी है और कौन सा टाइम हमें एक्सरसाइज करना है। थर्ड, ऑफकोर्स स्लीप। रात को 10 to 4 इज द स्लीपिंग आवर्स जब हमारी बॉडी रिकवर करती है। एक रात अगर हम ठीक से नहीं सोते हैं तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, 1 night। तो आप सोच सकते हैं कि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो क्या कर सकता है। बियॉन्ड दैट अगर हम देखते हैं स्ट्रेस, अब स्ट्रेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारी ऑटो इम्यून कंडीशंस में, इंक्लूडिंग टाइप 1 डायबिटीज। अब क्यों करता है ये, बिकॉज जो हमारा ब्रेन और गट है ना वो वेगस नर्व से कनेक्टेड है। आई थिंक हम सब ने वेगस नाम सुना होगा, वेगस नर्व। क्यों? क्योंकि जो भी लोग योगा करते हैं, जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं, जो भी लोग थोड़े बहुत भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, उन सबको ये टर्म पता है। तो ये जो वेगस नर्व होती है ना, ये 2-way ट्रैफिक है। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे गट की लाइनिंग कैसी होती है, सिंगल लाइनिंग होती है। आप देखिए हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारे गट का एक पार्ट है ना, वो कितना बड़ा आपको पता है? पूरे एक बास्केटबॉल कोर्ट में आप उसको बिछा देंगे ना तो पूरा कोर्ट भर जाएगा। तो आप सोचिए भगवान ने क्या बॉडी बनाई है हमारी, इट इज नो लेस देन अ मिरेकल। छोटे से एब्डोमेन में इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाहर लार्ज इंटेस्टाइन सेट कर दिया है, जो कि अगर हम बाहर फैला के बिछाएंगे तो पूरा कोट भर जाएगा। तो ये करने के लिए क्या हुआ है, उसको सिंगल लाइनिंग बनाना पड़ा है। थिन लाइनिंग है, सिंगल लाइनिंग है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उसी में से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में आता है, वही हमें एनर्जी देता है। कैसे हम छोटे से पैदा होते हैं और खाना खा खा कर हम इतने बड़े हो जाते हैं। सो आई एम श्योर आप सब जिनके बच्चे हैं, यू वुड स्टिल रिमेंबर, मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई बिकेम अ मदर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब मेरा बेटा हुआ उसका हाथ इतना सा आता था बस, मैं और मेरी सिस्टर हमेशा बोलते थे कितना छोटा हाथ है, इतना सा आता है।
एंड नाउ ही इज सो बिग की यू नो ही इज 6 foot टॉल एंड ऑल ऑफ दैट. सो व्हाट हैपेंस, तो ये सिंगल लाइनिंग से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर हम ये बन जाते हैं. सो फूड इज नॉट ओनली कैलोरीज, फूड बेसिकली डिक्टेट्स योर जेनेटिक मेकअप. आजकल की आप जितनी भी स्टडीज पढ़ेंगे आप देखेंगे कि फूड जो है ना वो जेनेटिक मेकअप डिफाइन करता है, आपकी कौन सी जीन्स एक्टिव है कौन सी जीन्स एक्टिव नहीं है वो फूड डिसाइड करता है. तो फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप 1 डायबिटीज में भी. भाई नॉर्मल इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जहां पे हमें थोड़ी सी और गड़बड़ हो चुकी है वहां तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब ये जो लीकी गट है, अगर आप स्ट्रेस मैनेज करते हैं तो लीकी गट बेटर होता है, लीकी गट मैनेज करते हैं तो स्ट्रेस बेटर होता है. तो ये दोनों चीजों पे पैरेलली हमको काम करना पड़ता है. और इस टाइम पे जब हम गट पे काम करते हैं, जब हम ब्रेन पे काम करते हैं ना और गट पे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल हमारे लाइफस्टाइल में है जो हमें ध्यान रखनी है इज वाईफाई का यूसेज. हम सब वाईफाई से घिरे पड़े, तो इसलिए आप मैंने देखा है जितने भी मैंने टाइप 1 डायबिटीज बच्चे देखे हैं अभी तक, जनरली मोस्ट ऑफ देम आर डिहाइड्रेटेड. और आप उनसे पूछोगे तो उनके पेरेंट्स और वो बोलेंगे हम तो बहुत पानी पीते हैं. वो पानी तो बहुत पीते हैं पर पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा सेल्स में, रिटेन नहीं हो रहा सेल्स में बिकॉज ऑफ दिस वाईफाई एंड आर टॉक्सिक एनवायरमेंट. तो इससे हमको कैसे बचना है, दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर यू नो मैनेजिंग डायबिटीज थिंग. तो लेट मी शेयर विद यू फ्यू पीपीटीज विच विल एक्सप्लेन यू अ लिटल मोर इन डिटेल की व्हाट इज इट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. मीनवाइल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है ना तो आप इसमें डालते रहिएगा. तो मैं बता रही थी जितने भी अभी तक मैंने पेशेंट्स देखे हैं, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों के भी, किसी का एच पायलोराई पॉजिटिव आ रहा है, किसी का स्मॉल इंटेस्टाइनल बॉवल ओवरग्रोथ आ रहा है, किसी का बहुत गट डिसबायोसिस आ रहा है, क्लॉस्ट्रीडिया वगैरह जैसी इन्फेक्शंस जो हमें अडल्ट में भी मैनेज करनी मुश्किल है, हम टेस्टिंग करके देख पा रहे हैं कि वो हुए हैं बच्चों में भी. एंड ऑफकोर्स कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो इट इज कॉमन सेंस एंड यू नो वी ऑल विल एग्री कि वो इन्फेक्शन हमें ठीक करना चाहिए, बिकॉज ठीक करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, राइट. एंड व्हाट मोर आई हैव सीन कि टॉक्सिसिटी काफी आ रही है इन बच्चों में. जैसे अभी मुझे एक बच्चा मिला जिसको 5 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज हुआ था एंड उसके किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं इतनी सी देर में, राइट. एंड वी सॉ उसका एल्यूमिनियम काफी हाई आया है, कैडमियम भी थोड़ा हायर साइड पे है. सो जब तक फिर आप ये टॉक्सिन्स निकालोगे नहीं, या आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई में या टिन फॉइल ही यूज करते रहोगे एंड थोड़ा थोड़ा सोर्स है अभी भी आपका जहां से आपका एल्यूमिनियम आ रहा है, तो वो तो बढ़ेगा ही ना, कम नहीं होगा. आगे जाके कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, न्यूरोपैथी भी आएगी. सो ऑल ऑफ दैट विल हैपन अर्लियर देन इट वुड अदरवाइज हैपन अगर हम इन चीजों को क्लियर करते हैं. और मैंने क्या ऑब्जर्व करा है, मैंने देखा कि हाशिमोटोस थायरोडाइटिस इन बच्चों में काफी कॉमन हो रहा है. मतलब एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, अब हमारे पास काफी डेटा है कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है तो दूसरी तीसरी चौथी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है अगर हम ऑटोइम्यूनिटी को रोकते नहीं है तो, राइट. और अब ऑटोइम्यूनिटी को रोकने के लिए क्या करना है, गट को ठीक करना है, लाइफस्टाइल ठीक करना है. वो फूड्स जो हमारे गट को और लीकी बनाते हैं, जैसे ग्लूटेन हो गया, डेयरी हो गया. अब जरूरी नहीं है कि आप एलर्जिक हैं इन फूड्स को, बट स्टिल अगर आप 3 to 6 months इन फूड्स को छोड़ते हैं तो आपके गट की लाइनिंग हील होने की प्रोबेबिलिटी और स्पीड दोनों बढ़ जाती है, राइट. तो एंड देन ऑफकोर्स कोयम्ब्रास प्रोटोकॉल पे बहुत सारी स्टडीज है ऑटोइम्यून कंडीशंस में. टाइप 1 पे थोड़ी कम है बट जनरली ऑटोइम्यून पे बहुत है, जिसमें हाई डोज विटामिन डी यूज करके डॉक्टर कोयम्ब्रा ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस तक के पेशेंट्स ठीक किए हैं. एंड व्हाई इट हैपेंस इज बिकॉज विटामिन डी हाई डोजेस पे जाके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है. ऑफकोर्स मॉनिटर करना पड़ता है ये सब कुछ हमें एंड तभी हम कर सकते हैं इसको, बट इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव.
सो लेट्स सी सम ऑफ द स्लाइड्स, जो भी मैंने बोला है अभी तक उसको समझने के लिए. सो डायबिटीज वी ऑल नो ये पैनक्रियाज हैं हमारे, एंड पैनक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं, बीटा एंड अल्फा. बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये ऑलमोस्ट 80% बीटा सेल्स डेड हो जाते हैं, डैट्स व्हेन टाइप 1 डायबिटीज होती है. और ये डेड क्यों होते हैं? ऑटो इम्यूनिटी की वजह से. सो टाइप 1 डायबिटीज के दो पैरेलल पैरामीटर्स हैं. एक है आपको शुगर कंट्रोल करना है, जिसके लिए इंसुलिन आपकी हेल्प करेगा. आपकी डाइट, एक्सरसाइज एंड डेफिशिएंसीज अवॉइड करके आप इंसुलिन की यूसेज को कम रख सकते हैं, ठीक है. दूसरा है ऑटो इम्यूनिटी. अब ऑटो इम्यूनिटी सही करने के लिए कोइम्ब्रास प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड. गट हेल्थ को हमको ठीक रखना है, राइट, एंड ऑफ कोर्स डेफिशिएंट नहीं रहना है मेजर मिनरल्स एंड उसमें, एंड टॉक्सिक एनवायरमेंट नहीं रखना है अपना. हैवी मेटल टॉक्सिसिटी या पीसीबीज वगैरह की टॉक्सिसिटी सब ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर करवाती है. तो एज आई टोल्ड यू, टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक्स रोल प्ले करता है. वायरल इन्फेक्शंस ट्रिगर कर देते हैं. माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ तक इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. अभी हमने अभी एक बच्चे का टेस्ट करवाया था, वेयर वी सॉ कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्लियर कट इम्पैक्ट आ रहा है, एंड वी हैड टू एक्चुअली गिव सप्लीमेंट सो डेट माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग उस बच्चे की थोड़ी बेटर हो जाए. अब जब हम ये सब करते हैं तो रिजल्ट अपने आप क्या आता है वो यू नो टाइम ओनली टेल्स, बट ऑफकोर्स बच्चा मोर एनर्जेटिक फील करता है, बेटर फील करता है, कॉम्प्लिकेशंस डिले हो जाती हैं, इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ये डेफिनेटली होता है. टाइप 2 डायबिटीज होता है जो हमें लेट एज में होता है, और हम जनरली मेडिसिन से उसको कंट्रोल कर पाते हैं. जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाता है व्हाइल दे आर प्रेग्नेंट. सो जेनेटिक्स अगर आप देखोगे, हाई प्रोबेबिलिटी दैट इफ योर पेरेंट्स हैव टाइप 1 यू माइट हैव चांसेस ऑफ बीइंग टाइप 1 डायबिटीज. सो सी पेप्टाइड लेवल्स 1 नैनोग्राम पर ml या 0.331 मिली मोल्स पर ml से अगर कम है तो प्रोबेबिलिटी कि हम कुछ बहुत ज्यादा रिवर्सल की तरफ तो नहीं मैं बोलूंगी, बट बहुत ज्यादा इंसुलिन कम करने की तरफ काम कर पाएंगे थोड़ी कम हो जाती है. पर अगर इसके ऊपर है सी पेप्टाइड तो काफी चांसेस होते हैं कि हम हनीमून पीरियड को थोड़ा बढ़ा पाए या इंसुलिन की डोज को बहुत कम कर पाए. बट ऑफकोर्स बाकी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं. तो ये पैनक्रियाज हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं. फूड में ग्लूकोज जब आता है तो इंसुलिन सेल्स खुलवा सेल्स की खोलता है एंड ग्लूकोज अंदर जाता है एंड दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी. अगर ये नहीं हो रहा, इंसुलिन नहीं निकलता है तो बॉडी को तो खाना चाहिए. तो जो ग्लाइकोजन है जो अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं वो निकलते हैं और वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं एनर्जी देने के लिए. एंड दैट इज वेन कीटो एसिडोसिस में लोग चले जाते हैं अगर बिल्कुल इंसुलिन नहीं लेते हैं तो. इसलिए इंसुलिन इज लाइफ सेविंग, हमें उससे डरना नहीं है, बट हमें उसे ऑप्टिमली यूज करना है, मिस यूज भी नहीं करना, राइट. सो हेल्दी इम्यून सिस्टम में क्या होता है, एज आई टोल्ड यू जब भी कोई अटैक करेगा हमारी आर्मी जाती है और उसको मार देती है अच्छे से और हम हेल्दी एंड हैप्पी रह जाते हैं. Whereas, अगर हमें कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी नहीं है, हमें एक लीकी गट है, ठीक है, हम बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड से निकल रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया फंगाई हमें मार देते हैं और हम अपना हाथ पैर या कुछ भी तुड़वा के घूमते रहते हैं फिर. तो टाइप 1 डायबिटीज प्रोग्रेस होती कैसे है? ऑटोइम्यूनिटी हिट करती है, बीटा सेल्स मारे जाने लगते हैं, सडनली इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है और शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाती है एंड क्लिनिकल डिजीज शुरू हो जाती है. कई बच्चों में जिनमें जल्दी पता चल जाता है उनमें रिमिशन भी हो जाता है. आपको पेरेंट्स बोलेंगे जी हमारा तो इंसुलिन बंद हो गया था, शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बट फिर से शुरू हो गया. इसे हम ट्रांजिएंट रिमिशन कहते हैं. एंड उसके बाद में जब दोबारा शुरू होता है तो ऑफकोर्स वी नो की इट इज टाइप 1 डायबिटीज. एंड उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं, किडनी फंक्शन, कार्डियक फंक्शन, न्यूरोपैथी,
आपका आईज की हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ, आपको मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन वगैरह ये सब चीजें होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो जनरली बच्चों को जब शुरू होता है तो होता कैसे है, उनका वेट लूज होने लगता है। जैसे अभी एक पेरेंट शुरू में बता रहे थे कि आधा किलो, एक किलो हर 15 दिन पे लूज हो रहा था। बहुत प्यास लगने लगती है उनको, मुंह सूखता है पूरा टाइम, पेट में दर्द होता है। वहाँ काफी सारे बच्चे टाइप 1 डायबिटीज में ग्रुप में थे जो कि यू नो ऑफ एंड ऑन पेट में दर्द है, बर्पिंग हो रही है, डकार आ रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें समझ नहीं आता बिकॉज हम एलोपैथी में इसकी बहुत बात करते नहीं है, पर ये सारे सिम्टम्स हमें बार बार चीख चीख कर बता रहे होते हैं कि गट हेल्थ में कुछ गड़बड़ है, ठीक करवा लीजिए, है ना। बट जस्ट अनअवेयर हैं, कम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो हम करा नहीं पाते। एंड देन फटीग, मतलब जब माइटोकॉन्ड्रियल आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होने लगती है तो बच्चे इतने थके हुए होते हैं, उनका कुछ उठने का मन नहीं कर रहा होता। मतलब 2-3 बच्चे तो हमारे पिछले ग्रुप में ऐसे थे जो थोड़ा सा भी काम करते थे तो रोते थे कि नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, स्कूल नहीं जाने का मन कर रहा है, जस्ट बिकॉज बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लेना और शुगर चेक करना तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जैसे हम ब्रश करते हैं अपने दांत रोज सुबह, वैसे ये भी करना पड़ता है। एंड आई हैव टोल्ड यू ये सब चैलेंजेस हैं, बट ये भी समझने की चीज़ है कि जब हम ऑटो इम्यूनिटी को संभालते हैं या कंट्रोल करते हैं या रोकते हैं तो जो ऑटो इम्यून कंडीशन या इम्यून सिस्टम हमारा सेल्स को मार रहा होता है और वो मारना बंद कर देता है, एंड अगर हम जल्दी एक्ट कर लेते हैं, पहली बात तो हॉस्पिटल जल्दी पहुंच चुके होते हैं, डायग्नोस जल्दी करवा चुके होते हैं, एंड दूसरा फिर हम उस पर काम जल्दी शुरू कर लेते हैं, तो जब न्यू पैनक्रिया सेल्स मारने बंद हो जाते हैं, पुराने भी मारने बंद हो जाते हैं, न्यू कुछ कुछ बनते रहते हैं, तो कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, इट कैन बी वेरी पॉजिटिव ऑल्सो। सो यू सी इट वॉज शोन कि 80 ईयर्स की लेडी में भी न्यू बीटा सेल्स बन रहे थे। हाँ, थोड़े बन रहे थे बट बन रहे थे। सो ये हमेशा बनते रहते हैं बीटा सेल्स। ऑफकोर्स बचपन में बहुत स्पीड पे बनते हैं, जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे स्पीड उनकी कम हो जाती है। कोर्स कंट्रोलिंग टाइप 1 डायबिटीज इज पॉसिबल, और पहला गोल टाइप 1 डायबिटीज कंट्रोल करने में हमारा है कि हम HbA1c को 6 के करीब रख पाएं। सो हैविंग सेड ऑल दिस, आई थिंक अप्रोच चेंज करने का टाइम है। हमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है, टॉक्सिसिटी जो है, उस पर काम करना चाहिए, ऑटो इम्यूनिटी पे थोड़ा काम करना चाहिए हमें, एंड उसके बाद अगर हमारे बीटा सेल्स बेटर फंक्शन कर पाते हैं तो हमें उस पर भी काम करना चाहिए। पर पहली दो चीज़ें कर अपनी शुगर लेवल्स को बैलेंस में रखना इज वेरी 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 क्रिटिकल। एंड उसके लिए क्या क्या करना है, जैसे मैंने बताया, डेफिशिएंसीज ख़त्म करनी है, क्रोमियम की, B12 की, डी की, CoQ10 की, अल्फा लिपोइक की, लीकी गट सिंड्रोम को देखना है कि वो हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शंस हैं उनको चेक करके वी हैव टू एलिमिनेट देम, टॉक्सिसिटी कोई है वो हटानी है, एंड क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन खाना खाना है, ढंग के बर्तन यूज करने हैं, और जो अंदर आग लगी हुई है, इन्फ्लेमेशन लगी हुई है, उसको ठीक करना है। सो इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, लॉट ऑफ पेशेंट्स जिन्होंने अपना ओमेगा 3 टेस्ट करवाया है, वी फाउंड कि उनकी रेशियोज 1:2 की जगह या 1:3 की जगह 1:80, 1:100, 1:120 तक आ रही हैं। क्या मतलब है उसका? बहुत क्लियर मतलब है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, एंड एक अच्छा ओमेगा 3 ऐड करके हम इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज ला सकते हैं, राइट? सो कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े रिजल्ट दे सकती हैं, एंड therefore that's important. एंड देन अगेन vitamin D एंड type 1 Coimbra's प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है, इट रियली works wonders. हाई डोज vitamin D इन type 1 रियली works wonders. तो 4 स्टेजेस में एटलीस्ट वी वर्क। सबसे पहला काम है HbA1c आपका 6 और उसके नीचे लाना, उसके अराउंड लाना।
स्टेज टू आपका इंटरनल एनवायरनमेंट क्लीन करना, जिसमें आपकी इन्फेक्शन हटानी है, टॉक्सिन्स हटाने हैं, क्लीन खाना देना है, क्लीन एनवायरनमेंट में आपको बोलना है रहने के लिए, ग्राउंडिंग करवानी है, सनचार्ज वाटर पीना है. सो ऑल दोज थिंग्स मेक अ डिफरेंस. स्टेज थ्री में ऑटो इम्यूनिटी को एड्रेस करते हैं हम कोइम्ब्रास प्रोटोकॉल से एंड गट हेल्थ से. एंड स्टेज फोर ऑफकोर्स जब ये सब हम करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं, बच्चा ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी रहता है और उसके इंसुलिन यूनिट्स कम होने लगते हैं. ऑफकोर्स टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच है हमारी. एक है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, जिसमें कंसल्टेशंस करके वी पर्सनलाइज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट रिपोर्ट्स क्या करना है. एंड एक कम्युनिटी इंगेजमेंट, जिसमें ग्रुप में आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या करना है. आई थिंक हियर आई विल हैंड इट ओवर टू आयुष. आयुष आयुष या ओके आई कैन सी यू. So I'll just share some of the people their experiences. देखिए अब इसमें समझने की क्या बात है कि इंसुलिन जीरो करना विद अ गारंटी, वी शुड नॉट बी चेजिंग दैट. एक मरीज का को चेज नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बी चेजिंग दैट मिराज. However, it is extremely, extremely important that we do something about what is currently happening in terms of type 1 diabetes. There are three important things which are important, which need to be tackled, which need to be done something about. A, कोई एक आपके environmental anomaly ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से आपकी antibodies trigger हो रही है. There is something which is triggering your antibodies. Can that be understood and solved? 100%. Antibodies itself, this is a very deadly situation. Why it is a deadly situation? Because immune system agar hamara galat tarike se act karna shuru kar diya hai, over a period what happens is ek autoimmunity se dusri, teesri, panchvi, leading up to even high risk of cancer, that happens with patients. Jo log 10-20 saal se situation ko deal kar rahe hain, jaise Raja ji yahan par hain, they would tell you that, you know, once in a while they would have faced a lot of different kinds of complications. Those complications, can they be avoided? Answer is yes. Autoimmunity, can it be addressed and solved? The answer is absolutely yes. Can we avoid all sorts of potential future complications? The answer is absolutely yes. Can we also do something to trigger honeymoon period? Honeymoon period, वो पीरियड होता है जिसमें आपकी इंसुलिन की डिपेंडेंसी या तो बहुत कम हो जाती है या कई केसेस में जीरो भी हो सकती है. ये पॉसिबल है. और ये फेज कितने समय के लिए होता है, जो अभी तक एज मच एज वी हैव अंडरस्टूड सो फार, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1 month टू 13 इयर्स. वंस यू गेट इनटू दिस फेज और इवन गेट आउट ऑफ दिस फेज, कैन यू री ट्रिगर, कैन यू हैव गेट इनटू दैट फेज अगेन? द आंसर इज येस. Are there strategies to do that? The answer is again yes. There are strategies which can be understood and which can be implemented again and again to do the best we can for not just ourselves, but in, you know, agar hamare bachcho ko type 1 hai, toh unke liye. So I'll just play a small little video of the experiences people have had. पहले तो उसका बहुत बढ़ के शुगर आता था, लेकिन जब मैंने डाइट वाला प्लान आपका वो किया है तब से कम आ रहा है मैम. 86 है मैम अभी का उसका फॉर डिनर. आई एम डूइंग फाइन. आई थिंक कंपेयर टू लास्ट वीक दिस वीक्स शुगर इज ऑलमोस्ट 90 टू 130 रेंज. For starting, it was 80 units. Now it's around 25 to 30 units. It's when ma'am started working on the gut health, I had this pimple issues all over my face, and which I tried many other methods. But after she worked on the gut health, I think the pimple just disappeared. So I think it's working. I can see it visibly, but I'm hoping that I can drastically reduce my
insulin with diet, exercise, and of course the better gut health. I occasionally get itching after I take bath. I think after 1 month into the program, it's reduced drastically, I would say. The readings of my child is very good when I joined this Eloquence Squash. पहले क्या होता था दिन में 34 यूनिट्स देके भी मेरे बच्चे का शुगर बहुत उतार चढ़ाव होता था. आठ वर्ष है मेरे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज. मगर एलोस्क्वैश ज्वाइन होकर मुझे ये पता चला मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स के प्रॉब्लम से और गट्स प्रॉब्लम से डायबिटीज हो सकता है ऐसा. मगर जब मैं डाइट को और सप्लीमेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन मैडम बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन फॉलो किया तब से मेरे बच्चे का एक 15 डेज में 8 यूनिट्स कम हुआ. दोपहर का मैं 8 यूनिट्स एक्टापिट देता था मेरे बच्चे को, वो मैं ड्रॉप किया. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मैम एक्चुअली. मगर वो एंड जब देते हैं तब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और फूड खाने से हिलता नहीं, बहुत अच्छे मेंटेन होता है. मगर मान एंड मेरे बच्चे बहुत नर्वस होता था पहले, जब सप्लीमेंट्स मैडम के नर्वस नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम होता था उसको, अब वो तकलीफ नहीं है उसको, वो बिंदास खेलता है अभी. थैंक यू फॉर दिस मैम एक्चुअली. बहुत अच्छा आप जो इस वेबिनार में ज्वाइन हुए ना, थोड़ा मैडम के सजेशन को ले लो, कुछ पैसे के वो सोचो मत, बिकॉज छोटे बच्चों को जो लाइफ है वो अच्छा मिलता है यहाँ पर. मैं सोचता हूँ ऐसा, कोई भी 8 यूनिट वो इंसुलिन कम किया तो बड़ी बात ही है ऐसा. एक महीने में मैं 8 इससे पहले थोड़ा बहुत का खाने का थोड़ा कमी हुआ है उसको. इंसुलिन का काम ही चल रहा है, काम ही हुआ है. इतनी भी मॉर्निंग में तो पी दे रही हूँ अभी. ठीक है. आफ्टरनून में भी 7 दे रही थी, अभी भी पी दे रही हूँ अभी. वेरी गुड. नाइट में कभी 2 कभी 3. वेरी गुड. और वो रात So the idea is you can definitely do a lot about your insulin levels. You can do a lot about many other things. एक छोटा सा मैं poll आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूँ. You can unmute yourself. You can ask your questions directly. आप अपने आप को unmute कर सकते हैं. You can raise your hand so that we can organize this better. Make sure कि आप polls पे जरूर respond करें. एक poll आप लोगों के लिए on करी हुई है, उस पर जरूर रिस्पॉन्ड करिएगा और अपने सवाल पूछ सकते हैं आप डायरेक्टली. वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हमारा एक प्रोग्राम है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट प्रोग्राम. बट प्रोग्राम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले अपने सवालों के जवाब ले लें. मेनली इट्स अबाउट डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स, लाइफ स्टाइल, जो गट हेल्थ के इश्यूज हैं जो आइडेंटिफाई होते हैं उसे रिजॉल्व करना. It is also about eliminating autoimmunity potentially. All of this is there. We will talk about program, of course. But then make sure that you respond to the polls. अपने आप को unmute करके सवाल पूछ सकते हैं, please. जब तक आप लोग अपना सवाल का तैयारी करें, मैं आप लोगों को प्रोग्राम की जानकारी दे देता हूं. वी डू रन एन ऑनलाइन प्रोग्राम टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. प्राइमरली हमारा जो इलाज है, आवर ट्रीटमेंट गोज इनटू 4 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल HbA1c लेवल, होपफुली मेक इट लेस देन 6. That is primarily through diet, exercise, and several discipline-oriented things, as well as post analysis, blood tests, and so on. आप लोगों के supplements. Then we are trying to clean up your internal environment
and prepare a body, prepare your body so that we can address autoimmunity, which we do in stage 3. And stage 4 is we enable your body so that we don't have any type 1 complications in future. We definitely minimize insulin units to a very large extent. And we can also potentially help trigger this honeymoon period as well. So there are two parts to this approach. One is treatment, which is completely personalized. And also we have a small little community jo join karte hain. And then all of those things are addressed within the community and also through educational classes. So the entire thing could be broken into 4 components. Initial 20 days mein, we fill up a form to collect all the history, all the tests and reports. We do an assessment and advise for some blood tests. Once the result is there, we prepare a treatment plan. It happens in the initial 20 odd days. Uske baad mein, for the next 40 odd days, we help you implement this successfully. Towards the beginning of 3rd month, we have a reassessment to realign. And towards the end of 3rd month, we again reassess to advise you beyond 3 months for the best possible management or, you know, recovery to the extent possible. So this is how it is. Once we have done the root cause analysis, Dr. Preeti sits down with you in an explanatory call and explains what are the conditions that we have found out, what we can do about it, what kind of recovery and what sort of time frame we can potentially expect. Meanwhile, WhatsApp ke through or healthcare giving support staff ke through, aapko WhatsApp mein lagatar communication rehta hai and all your queries are addressed continuously. So there are a bunch of sessions that we do. There are 8 sessions in the program, 4 sessions in the first month, 2 in the second, 2 in the third month, so that you are fully educated about what to do, how to do, and we support you with a lot of material. Kafi cheeze aapko dete hain taki wo aap successfully kar paye. Just to give you an example, these are the first 4 sessions which would be there. Aap pad sakte hain. And there are additional 4 sessions in month 2 and month 3. Okay. So what you can expect as an outcome. Sabse pehli cheez, HbA1c aapko manage karna samajh mein aa jayega taki aap ek acceptable range mein rahe. Jinka 13, 14, 15 rehta hai, wo 8, 8.5 ki range mein aaye. Jinka 9, 10 tak rehta hai, wo 6 ke niche jana seekhe. Autoimmunity ko address karein, insulin ki dosages ko minimize karein, and definitely there is a hope to recover or trigger, the right way to put it is trigger honeymoon period. So honeymoon period, there are strategies to trigger it. Cost of this program is 16,000 for 3 months. First month is 8,000 and it is beginning on 3rd of December 8 PM. So I'll just stop here. I'll just wait for the questions that you may have. You can unmute yourself and ask your questions, please. Sir, my question is that insulin type 1 ki band ho sakti hai ya nahi? Dr. Preeti? So, jawab ye hai ki band ho sakti hai aur usko kehte hain. उसको एक्चुअली कहते हैं हनीमून पीरियड. बंद होना या होना दोनों ही केसेस में हनीमून पीरियड कहा जाता है. बहुत ज्यादा अच्छे से समझते नहीं है माने हम लोग इन द सेंस हमारा ग्रुप नहीं माने ग्रुप तो वो दोबारा से रीट्रिगर क्यों होती है कैसे ये एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है. यस वी अंडरस्टैंड दैट लाइफस्टाइल इंफेक्शंस वायरल इंफेक्शंस प्ले अ वेरी वेरी स्ट्रांग But this period can be extended till up to 13 years, which is very sizable. And if they come out, you can help you with strategies. But if your question is, is there any goal, is there any way that you can guarantee guaranteed, then the answer is positive. Would you want to add? I think
यू हैव आंसर्ड इट वेल. और लोग भी मेरे ख्याल से मेनी पीपल वुड हैव मिस्ड पेनफुल फॉर यू दिस सेशन. Others, you can unmute yourself and please ask your questions. Sir, sir, मेरा क्वेश्चन यही है कि अपना जैसे क्लिनिक यहाँ पर कहाँ पर है दिल्ली में? गुड़गांव बेस्ड है. ये सारा जो सारा ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने करने की जरूरत नहीं. अच्छा, अपना ऑनलाइन चलती है अपना? हाँ, वो टोटली ऑनलाइन है, आपको कहीं जाना है, मेहनत करना. ओके. प्रोसेस ऐसा रहता है कि आप अपना एक ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं अपनी हिस्ट्री. ओके. उसके बेसिस पे एनालिसिस करके. तो अपना टोटली कितने मंथ का कोर्स है सर? 3 महीने का. उसका चार्जेस कितना है? 16,000 थ्री मंथ का. जी ठीक है. उसमें आप मतलब ये सारे अपने टेस्ट वेस्ट सब आप ही कराते हैं या हमको अपना कराना पड़ता है? आपके पास में चॉइस रहती है कि आप हमसे असिस्टेंस ले या अपना लोकली कुछ जैसे मान लीजिए सब आप सब कुछ आप ही कराते हैं, सब कुछ आप ही ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब जो भी करना है. मुझे लास्ट 24 ईयर्स से सर. जी जी जी. तो हमारा इसमें हम लोग ब्लड टेस्ट के लिए अगर आप हमारा असिस्टेंस लेते हैं, जो हम रेकमेंड करते हैं बाय द वे, ताकि आपकी कॉस्ट कम रहे. हाँ जी. तो अगर आप हमारा असिस्टेंस लेते हैं तो आपके घर से सैंपल बन के लेगा. ठीक है. इसके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब भी उसके रिपोर्ट्स के रिजल्ट आते हैं तो एक एनालिसिस की बेसिस पर बताया था कि नेचुरल मेडिसिन में बायो से जुड़ा हुआ है आपके डाइजेशन की शुरुआत से लेके ऑर्गन. ठीक ठीक. तैयार होता है डाइट, लाइफस्टाइल, सप्लीमेंट्स, कभी कभी एलोपैथी भी हो सकती है, सारी चीजें. हाय सर, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मिस्टर मोहम्मद. हाउ आर यू सर? आई एम गुड सर. एक्चुअली एज यू हैव सेड दैट वंस दिस हनीमून पीरियड स्टार्ट्स इट माइट लास्ट फ्रॉम 1 month टू 13 years एज यू सेड. So, there are chances that if we go back to our old improper lifestyle, junk food and toxin things, everything. So, again, we might be dependent on insulin. We have to take insulin. So, we have to be very careful. Even after the course is completed, we have to be very careful. Absolutely. About our lifestyle. Is that correct, sir? That is absolutely correct. Actually, something which... we could have done a better job, to be very honest, when we started this program. And there are a couple of people who have participated in our previous program in this group also. So we could have done better is just to make people sensitize about the fact that, you know, they have to be extremely, extremely, extremely particular about the discipline of implementation of whatever we suggest. Right. So discipline is extremely, extremely important. This is an immune system disease that we clearly understand. Autoimmunity is there. So immune system resurrection takes a hell of a lot of time. So if we are disturbing even a little bit, we are going back to square one immediately. So whatever gains we are going to have, we are going to destroy all those gains immediately. So the point is for the period, and that's the best we can do, right? So it is extremely important for us to understand that a lot is possible in terms of recovery. A lot is possible to make our immune systems better. A lot is possible to increase or maybe improve the beta cell activity, basically. All of this is possible.
but everything depends on discipline. There is no magic pill, god damn it. Simple. There is no magic. The main thing is discipline. Even if we are dependent on insulin, then we have to be disciplined. Yeah, I mean, that's any which way life stabilizing or in the other sense, you know, life threatening condition. If you are being negligent about insulin, then yes, sir. Then again, we have to go for more medication and absolutely. Some complications will arise. And this thing, I want to just address it again. It was really valuable information which doctor has shared, that even one night of improper sleep will activate this insulin resistant thing. That is really shocking. So we need to be very careful. Absolutely. Thank you very much. Thank you. Are you type 1 yourself? No, actually, I'm type 2, sir, but still information is better. So I signed in for this seminar. Sure. Thank you, sir. Thank you. Okay. Others, do you have any other questions? Right. So I'll share my phone number in the group chat. Okay, some of you have responded to the post. A lot of you haven't. So those of you haven't responded, please make sure that you do. Okay. Some direct questions are there in the chat. I think you can take those. Great. So my name is Ayush. My number is 9717333655. Mr. Saroj said type 1 diabetes hai. Mera 3 bar ketoacidosis ho chuka hai. I think Saroj ji se baat hui hai. 0 in type 1. I don't understand. Right. So people who have asked the questions, they are not there in the session right now. But aur logon ki koi aur sawal ho jo abhi session mein hai, to please unmute and ask your questions. Okay, so those of you who have interest or want to know more about what we do, how we do, you can share your phone numbers in the group chat, or have any queries or anything of that sort, you can share your numbers in the group chat. By the way, those of you who are type 2 diabetes people can also consider this approach, or we do have an alternate approach as well. So you please share your phone numbers in the group chat or privately to us so that we can reach out and guide. Yes, Ms. Selja, do you want to say something? The body chat option is disabled. Can you hear me, sir? Yes, audible, ma'am. Yeah. So, yeah, I just want to know in brief, like, how it goes, your treatment plan and all. I'll just share my screen. Okay, so there are 4 stages of our treatment. Stage 1 is containing HbA1c, helping it reach less than 6. Then stage 2 is looking into gut health specifically and cleaning up the internal environment, prepare the grounds to address autoimmunity. Stage 3 is addressing autoimmunity, potentially reversing it. This is something which is highly possible. Stage 4 is helping us reach a stage wherein we can potentially trigger honeymoon period. So these are the 4 stages. Those stages can be, our approach can be divided into a couple of different channels. One is treatment, which is completely personalized. And in the second part, we have a lot of educational classes, as well as we create a WhatsApp group in which all parents or patients, they are there along with the entire medical staff.
for day-to-day consultation and query resolution and everything. Sir, and one more thing, do you use any drugs other than like English or Ayurvedic medicine along with insulin? So we do have a blood test. So the way it goes is you give us your history and your test and all. We conduct a few blood tests. Basis that we do a root cause analysis and we advise for mainly supplements. But if there are infections and such, we do have to have allopathic drugs in some cases. So that is what it is. Other than that, it is diet, exercise, lifestyle changes. Right. So we fix the treatment in the initial 2 or 3 weeks. Then in the next 40 days, we help you implement it in a disciplined manner. Then after that, we reassess, realign, and then finally we guide you beyond 3 months also. So all of this is there. For blood tests, we do provide assistance so that home sample collection could be made. You can do it on your own also. That's obviously a possibility. Doctor assesses, prepares a detailed report, gets into an explanatory call, and helps you understand what is it that we are doing, what we can expect. So all of this is there. Just to give you a view on what kind of classes, an example of the first month is this. And then we have not three, but 4 potential sessions in the next 2 months. All of this is for educational purposes so that you clearly understand what you are going to do and why and you know how to do it. You obviously do get the recordings and everything. Right, and in terms of outcomes, these are the 4 things that we are promising. You can read the 4th point as triggering, potential triggering of honeymoon period. Right. Any other questions, anyone? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले महीने में क्या क्या होगा, दूसरे महीने में क्या क्या होगा, तीसरे महीने में क्या क्या होगा। देखिए पहले महीने में मोटा मोटा आपका इलाज सेट हो जाएगा सारा, और क्या मतलब है, क्या नहीं लेना है, हाँ मतलब क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारा डिसिप्लिन में मतलब बेसिकली सारी चीजें आप समझ जाएंगे, करना शुरू कर देंगे, दवाइयां शुरू हो जाएंगी। दूसरे महीने में होगा ये कि आप जब वो करने लगेंगे तो बॉडी में बदलाव होंगे, नंबर्स बढ़ेंगे घटेंगे, सब कुछ होगा, फ्लक्चुएशन होनी है इसमें। ठीक है, ये आपको काफी समय से। ठीक है, पहले महीने में ये करने के बाद में दूसरे महीने में इलाज सेटल होने के बाद में हमें समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में रिकवरी में हम जाने वाले। थोड़ा सपोर्ट हमें आपसे भी चाहिए रहेगा, क्योंकि ऐसी बात है कि बीमारी वैसी नहीं है कि मलेरिया जैसी। हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरे महीने में हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी 15 में से 12 चीजें हम सही कर रहे हैं, कौन सी 3 चीजों में हमें रियलाइनमेंट की जरूरत है, तो वो हम रीअसेस करके डिसाइड करेंगे। तीसरे महीने में हम लोग रियलाइनमेंट के साथ में दोबारा से अप्रोच करेंगे और फिर रिजल्ट लाएंगे। तीसरे महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके कुछ लोगों का या काफी लोगों का इनफैक्ट हनीमून पीरियड ट्रिगर होने की उम्मीद है। Sir, is everything online or is any branch you have in Hyderabad or so? No, it's all online. So there are 2 or 3 reasons why we do it online. One, you need to stay in continuous touch with your doctor and you need to update on the progress also, which is difficult to do offline. That is one. Although expectations, if the participants unki to khair sky high hoti hai. But the point is we do our best so far we have been successful, I would like to think that is one. So staying in touch. Second, education bahut important hai. The classes, it's not possible to conduct offline, it's impossible. The third thing is ki coordinating several activities, whether through dietitian or otherwise, etc., wo sara organize acche se ho jata hai. Aur aap, you know, there are many other people joining in from different parts of the world. So you get to see a lot of perspectives on
what else is happening and so on, and you update yourself, and you know, together we do the best we can for each other. So all of this is possible, this community and all of that is possible only through this. So that's why we do it online. So one last question. So throughout the session, like throughout these 3 months, you'll be guiding us, right? Every day? Correct. So we create a WhatsApp group in which doctor, caregivers, dietitian, everyone is there connected and live. So you can ask your queries, and that assistance is there continuous. Right. Others, any other question? आपको में से अब मैं सब लोगों से एक सवाल जरूर पूछना चाह रहा हूँ. जितने लोग इस समय हैं, as many people as are there in the session, how many of you or your somebody in the family is having a type 1 condition? Please type in the if you are there, if you are listening, if you have a condition, please type in. Please type in yes or type 1 or whatever it is. Anybody who is having a type 1 condition, please type in. Ayush, group chat is disabled. Only they can message to you, to the host. Type 1 कर रहा हूँ ना. That's why I'm disabled. समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो. मैं समझ नहीं आ रहा क्या करना type 1 का. पता करो. सर क्या कहा आपने, मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा बताएंगे. मैं ये कह रहा हूँ कि आप में से किसी को, शैलजा जिसको भी टाइप 1 की कंडीशन हो या बच्चों को किसी को हो, तो वो एक बारी चैट में मुझे मैसेज करें कि टाइप 1 है, ताकि हमें आइडिया तो लगे कि कितने लोगों को परेशानी है. हाँ जी, हाँ जी, शैलजा जी के बच्चे को है, लेट वी नो, बट अदर्स वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ. Ayush, I need to leave somewhere. Can I leave now? Yeah, sure, ma'am. Thank you. And thank you, everyone, and wish you all the best. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. आप लोगों के अभी कोई सवाल हो तो मैं दो चार मिनट हूँ जवाब देने के लिए. Otherwise, obviously, you can get in touch with me. I've shared my number. I'll just type in again. I have type 1 for 21 years. Can I get it? Absolutely, Rangarajan. That's what we have been discussing. 100% you can get into type honeymoon period. 100%. It's a very high possibility. Okay, so you can share your phone numbers individually to me in case you are having any queries or interest in the program. My name is Ayush, and I'm sharing the number again in the group chat. Group chat, tumhara apna number show. Aap log mujhe call bhi kar sakte hain. 333655. Theek hai ji. To abhi session main close kar raha hu. आप लोगों को जैसे जरूरत हो आप मुझे रीच आउट करिएगा, बातें करते. बेस्ट ऑफ लक, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.